गाइस चेक करो आमिर वर्सेस आमिर मैचेस ये एलविश के खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं और भाई रील्स डाल रहे हैं। भाई देखो सबके घर वाले होते हैं, ठीक है, वो सब भी सोशल मीडिया देखते होंगे तो उनको कैसा बुरा फील हो रहा होगा। एक तो उनका बच्चा उनके पास नहीं है और उसके पे केस डाला कि वेनम सप्लाई करता है या कुछ ऐसा स्नेक वेनम। कितना कमा लेता है भाई एक बंदा एक जैसे एक बड़ी सप्लाई करे कितना कमा सकता है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख। भाई एलविश अगर अपनी एक फेस वीडियो भी डालेगा ना, मतलब कि जैसे ब्रांड प्रमोशन करते हैं 1 मिनट की सिर्फ अपने फेस की वीडियो, तो उससे भाई 40 या 45 या 50 लाख रुपया आ जाता है सिर्फ एक वीडियो से 1 मिनट का। सो हेलो गाइज, राम राम सभी, कैसे हो आप सब? आई होप सब बड़े होंगे, रहने भी चाहिए। तो गाइज आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अपने स्टूडियो से, काफ़ी देर बाद कर रहा हूँ। तो भाई आप सबको यार देखो, मैं कभी यार ना, मैं आपको ये ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ ना भाई, मैंने कभी किसी को मतलब कि इन चीज़ों में सपोर्ट करता हूँ तो ना मैं कभी कर सकता हूँ, और ना मेरा भाई एलविश के साथ कोई मतलब पर्सनली दुश्मनी है, ना मेरी उसके साथ कोई दोस्ती है। बट भाई सारे बंदे गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, मुझे लगा भाई ये ब्लॉग बनाना बहुत जरूरी है इसलिए बना रहा हूँ। देखो यार इतने गिर चुके हैं ना भाई क्रिएटर, इतने गिर चुके हैं भाई, कई बंदे एलविश के खिलाफ वीडियोज़ बना रहे हैं और भाई रील्स डाल रहे हैं। भाई देखो सबके घर वाले होते हैं, ठीक है, वो सब भी सोशल मीडिया देखते होंगे तो उनको कैसा बुरा फील हो रहा होगा। एक तो उनका बच्चा उनके पास नहीं है, और भाई मैं एक और बात बताता हूँ, ये जो बेफालतू गन पे ना अपना एलविश पे केस डाला है इन्होंने कि वेनम वगैरह का, स्नेक वगैरह का, मैं आपको एक बात बता दूँ गाइज, अगर जैसे कोई यूट्यूबर है ना, जैसे मैं यूट्यूबर हूँ 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, तो मेरे लिए भी यार गाड़ियाँ और बाइक्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो उसके पे केस डाला कि वेनम सप्लाई करता है या कुछ ऐसा स्नेक वेनम। कितना कमा लेता है भाई एक बंदा एक जैसे एक बड़ी सप्लाई करे कितना कमा सकता है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख। भाई एलविश अगर अपनी एक फेस वीडियो भी डालेगा ना, मतलब कि जैसे ब्रांड प्रमोशन करते हैं 1 मिनट की सिर्फ अपने फेस की वीडियो, तो उससे भाई 40 या 45 या 50 लाख रुपया आ जाता है सिर्फ एक वीडियो से 1 मिनट का। तो भाई इसको वो कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता भाई, मैं जानता हूँ कि भाई जब बंदा ऊपर चढ़ता है ना तो उसको खींचने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यार मेरे जितने भी क्रिएटर हैं, हाथ जोड़ के विनती है भाई सबसे कि कोई यार ऐसी वीडियोस मत डालो, घर वाले देखते हैं भाई, उनकी फैमिली बहनें होगी यार उसकी, घर वाले होंगे, जीजू होंगे, मतलब सारे होंगे, तो वो देखते होंगे कितना अजीब लगता होगा। मैं सुबह से जब भी रील स्क्रॉल कर जा रहा हूँ वहाँ पे आ रहा है एलविश अरेस्टेड, ये हो गया वो गया। और एक और बात भाई, उसको ना जुडिशल कस्टडी में लिया है, वो भाई जज की होती है, मतलब कि उसमें ना पुलिस वाले आपके साथ कोई बदतमीजी कर सकते हैं और ना वो जुर्म अभी मतलब कि साबित हो गया हुआ है, ठीक है। वो जस्ट कस्टडी लिया कि पूछताछ करने के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये आप थोड़ी आपको याद होगा कि भाई जो शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान, उस पर भी ये सेम टू सेम चीज़ लगी थी, उसके बाद भाई वो बाइज्जत रिहा हो गया था, कोई सी गलती मतलब कि वगैरह नहीं निकली थी। तो यार जिन्होंने भी ये केस किया है, ठीक है, मतलब फेम लेने के लिए किया है, पैसे लेने के लिए किया है, ऐसे ही मांग लेते भाई, ऐसे ही देते, अगले बंदे को फंसा दिए बेचारा अकेले अकेला बेटा यार अपने घर वालों का, ठीक है। तो मत स्प्रेड करो यार कोई भी फेक न्यूज़ जब तक। और एक और चीज़ भाई, मैं देख रहा था कि ऑनलाइन सारे मतलब डाल रहे हैं कि एलविश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, उसको जेल होगी। जेल नहीं हुई भाई उसको, मैं आपको सीधा बताता हूँ, जुडिशियल कस्टडी होती है कि आपसे सिर्फ पूछताछ की जाएगी, और पुलिस वाले जुडिशियल कस्टडी में आपके साथ बदतमीजी भी नहीं कर सकते हैं। तो अभी कुछ भी नहीं हुआ तो यार मत करो कुछ भी ऐसी चीज़ें। बाकी मेरे को पता है कि क्या सीन अंदर का क्या नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया हुआ भाई, बेफालतू में उसको बेचारे को फंसा दिया हुआ है, उसको क्या जरूरत है भाई वैनम वूनम एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मतलब कि ये सब करने की। यार वो बंदा मतलब कि एक ब्रांड से, अगर मैं एक ब्रांड करता हूँ ना तो मतलब कि 3-4 लाख रुपये मैं आता है 1 मिनट का, वो किस लेवल पे बैठा हुआ भाई 17 मिलियन है, उसको क्या जरूरत है भाई ये सब बेफालतू डालो। और इतना टाइम ही नहीं होता किसी यूट्यूबर के पास कि वो इन सब मसलों में फंसे, ठीक है। बाकी मत करो यार प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती है सबसे, सपोर्ट कर रहा। और एक और बात भाई, अगर मतलब कि उसको ज़बरदस्ती फंसाया गया ना तो मेरे भाई J&K में जितने भी भाई हैं सबसे भाई विनती है कि मेरे साथ चलना भाई दिल्ली, हम उसके लिए प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे और भाई इसको बेफालतू फंसने नहीं देंगे, क्योंकि कोई भी भाई बच्चा अपनी माँ का बेफालतू नहीं फंसना चाहिए, ठीक है। तो चलो गाइस आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट, निकलते हैं घर से, फटाफट से मिलते हैं आगे। सो गाइस फाइनली ये रही अपनी SO9, अभी निकल रहे हैं हम घर से, बाइक कर दी हमने स्टार्ट, तो चलो गाइस फटाफट से निकलते हैं, भाई जाके इसको सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलो निकलते हैं अभी यहाँ से यार,
और अभी हम जा रहे हैं भाई सिद्रा, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। चेक कर लो, फाइनली निकल चुके हैं घर से आए, काफी ज्यादा मजा आने वाला भाई। अभी ना यार जम्मू में इतनी ज्यादा धूप हो चुकी है भाई, उधर जाते हुए मतलब कि दिन को डर लगता है, तो इतनी गर्मी होती है। तो अभी हम निकले हैं शाम के टाइम ही, तो आज व्लॉग बनेगा शाम के टाइम सेक्सी सा। क्या हुआ गाइस, मेरे पीछे एक बंदा क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ क्या? डर लग रहा है क्यों? हुआ क्या? उतारता हूँ, क्या हुआ? क्या हुआ? शक्ल तो दिखाओ मेरी बच्ची, हुआ क्या? हुआ क्या बता दो सही, हुआ क्या? बंद तो करता हूँ पहले, हुआ क्या? गाइस इसकी हालत देखो, अब नहीं फिर भी बैठेगा पक्का। यहाँ से डालो यार, देखना गाइस अब ये नहीं बैठेगा यार मेरे पीछे। क्यों? हम भी गरीब ही आदमी है, हम कौन सा अमीर आदमी है? दो पहिए चल रहे हैं, दो पहिए आप भी तो दो पहियों पे चल रहे हो टांगों पे। ओ इधर आ मेरे पीछे, ओ कहाँ बैठ रहा, उधर इधर आ। गाइस देखा मेरा खौफ, मैंने बोला था ना अब ये नहीं बैठेगा मेरे पीछे। भाई एक बार ही बंदा मेरे पीछे बैठ देना गलती से, उसके बाद नहीं बैठता भाई कभी भी। पता नहीं क्या चक्कर है। बख्शी भाई तो देखो क्या, बख्शी भाई आओ ना पीछे। तो गाइस इधर चेक कर लो, फाइनली यार हम जो है वो सिद्रा पहुंच चुके हैं, चेक कर सकते हो। और हाँ भाई ये बाइक लेके जितनी बारी इधर आता हूँ ना मन को ही छूती है भाई बाइक। हाँ जीटू ड्रैग रेस करनी है, ड्रैग रेस करनी है, रुक जा एक मिनट। कैसे हो? ठीक हो? और बताओ। 3-2-1 को जा जा स्टार्ट दिया, जा जा स्टार्ट दिया, ये दे स्टार्ट दिया, तो स्टार्ट देते हैं ठीक है। ये तो बिल्ली दिखा रहा, हमने बिल्ली दिखा रहा गाइस, अरे जान दो इसको, आगे इसको एक ही बारी पीछे करेंगे ठीक है, जान दो इसको स्टार्ट देते हैं गाइस। मैं देख रहा था बड़ी ड्रैग रेस करो बच्ची, ड्रैग रेस कर रहा है भाई। और रहा पीछे यार, 3-2-1 गो। अब करते हैं इसको पीछे ठीक है, बड़ा इतना स्टार्ट हो जाता है, इतना स्टार्ट। ये चला, हाँ चल। तो गाइस अब दिखाते हैं आपको व्हीली, व्हीली किसको बोलते हैं भाई, तेरे हाथों में चीजें आती फेल क्यों हो जाती हैं? चलो भाई अभी बाइक लगाते हैं साइड पे। भाई अब मेरी विली क्लिप पे मुझे दोगे या नहीं? मुश्किल है। मुश्किल है।
गाइस अभी आए थे हम मिस्टर कॉन्ग में, यहाँ पे चेक करो ये सारे तो हमने अभी देखे, ये कौन है? ए, हटाना फोन। तू बता पहले तू कौन है भाई, क्या करके क्या बोलता है? थोड़ी ना नंबर मजाक के बिना ये करता है भाई, प्लान करके ये प्लान करके। चलो चलो क्या हो गया, चलो गाय तू तो चुप रहा, तू दल्ले बोलना बीच में, लाउड नहीं है। चलो थ्री थ्री टू वो बड़ा जोर है लिया यार, तो ये क्या किया तुमने? चल हरा दे, चलो नहीं हरा पाएगा माँ का सब, मेरे को लिया भरोसा, मेरे को लिया भरोसा। चलो आमिर वर्सेस जानू होने वाला है, आमिर वर्सेस अलियान। चलो भाई चलो टेबल पे चलो। ना 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 नहीं 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 ना ना आमिर और जानू, आमिर और जानू, ना 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 बाबा देख तेरे कहने पे मैंने किया ना। और जानू और आमिर, आमिर और जानू, जानू ये क्या बात, ये मेरा नहीं भाई और जानू होने वाला है। चलो गाइस चेक करो आमिर वर्सेस आमिर मैचेस, ये गाइस फाइनली यार अभी आए थे इधर, तो वो जो भी यार मौज मस्ती चला ठीक है ये वो, तो बाकी यार सारे साथ ही हैं भाई, कोई किसी के साथ कोई सीन नहीं है ठीक है। तो बाकी व्लॉग इसे यहीं पे एंड करते हैं, बाकी उसको सपोर्ट करना यार एल्विश को यार ठीक है। यार देखो अगला माँ बाप उसके रो रहे हैं यार जो भी है ठीक है, एक टाइम आएगा भाई कि मतलब कि सब सही हो जाएगा, पर वो लोगों की अगर मैंटेलिटी ऐसी है ठीक है, कहीं भी कोई कंटेंट डालने के चक्कर में कुछ भी डाल देते हैं लोग ठीक है, मत करना। बाकी ब्लॉग इसे यहीं पे एंड कर देते हैं, बाकी उसको सपोर्ट पूरा, अगर ज़रूरत पड़ी है तो भाई जम्मू से भी कश्मीर से पूरे भाई बंदे लेके जाएंगे और भाई पूरा अच्छे से प्रोटेस्ट वगैरह कर देंगे अगर कोई सीन पड़ा ठीक है। तो ब्लॉग इसे यहीं पे एंड करते हैं, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, साइनिंग ऑफ जस्टिस।